लक्ष्मी ने मलिष्का को याद दिलाई अपनी जगह, लक्ष्मी है ऋषि की लीगल वाइफ। नीलम लक्ष्मी को ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत रखने को कहती है, जिस पर लक्ष्मी तैयार हो जाती हैं। लेकिन हरलीन ये सब कुछ मलिष्का के सामने सुनाती है, जिससे मलिष्का नाराज हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। नीलम हरलीन से कहती है कि आखिर वो बार बार मलिष्का का दिल क्यों दुखाती हैं। इस पर हरलीन नीलम को याद दिलाती है कि करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति के लिए रखती है और लक्ष्मी ऋषि की पत्नी है, मलिष्का नहीं है, और इसीलिए लक्ष्मी को ही ऋषि के लिए व्रत रखना चाहिए, मलिष्का को नहीं। नीलम और हरलीन दोनों के बीच बहस को देख लक्ष्मी मलिष्का से बात करने जाती हैं, जहां मलिष्का लक्ष्मी को इन सब के लिए जिम्मेवार बताती हैं। इस पर लक्ष्मी मलिष्का को करारा जवाब देते हुए कहती है कि अभी भी ऋषि की लीगल वाइफ लक्ष्मी ही है और इसीलिए उन्होंने अपने पति के लिए व्रत रखा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मलिष्का लक्ष्मी और ऋषि को एक बार फिर से अलग करने के लिए कौन सा नया प्लान बनाती हैं। फॉर मोर एंटरटेनमेंट अपडेट्स डू सब्सक्राइब न्यूज़ एस्टीरिया।